नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल फूड फैट कुकिंग में। आज हम मटन बनाने वाले हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आएगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ हमने 1 kg मटन लिया था और उसे नॉर्मल वाटर से 4 से 5 बार धो लिया। उसके बाद इसमें हमने 1 टेबलस्पून हल्दी और 4 से 5 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल मिलाकर 30 मिनट तक मैरिनेट करने दिया। अब देखते हैं मटन बनाने के लिए हमें कौन से सामग्री की ज़रूरत है। यहाँ 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिया है हमने, 18 से 20 लहसुन की कली, 4 टुकड़ा अदरक का और 6 से 7 हरी मिर्च। अब मसाले देखते हैं। यहाँ 1 टेबलस्पून हमने मीट मसाला लिया है, 1 टेबलस्पून चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा और 2 से 3 दालचीनी, 4 से 5 इलायची और 4 से 5 लौंग। यहाँ हमने जायफल ले लिया है जो मटन के स्वाद को एनहेंस करता है और इसको हमने ग्रेटेड करके पाउडर फॉर्म में 1/2 टीस्पून ले लिया है। सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करेंगे और इसमें 4 से 5 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। जब ये तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम साबुत जीरा और 2 से 3 सूखी मिर्च और 2 से 3 तेज़पत्ता डालेंगे। इसे थोड़ा अच्छे से भूनेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम कटे हुए प्याज को डालेंगे। हमें कटे हुए प्याज को गोल्डन ब्राउन तक भुनना है। यहाँ देखिए प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इस समय हम जो मैरिनेट किया हुआ मटन था उसको डालेंगे। अब इन मटन को हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है। यहाँ हमने 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 से 3 चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। यहाँ हमने अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाला है। जो सूखा मसाला हमने रेडी किया था प्लेट में उन सबको डाल देंगे। अब इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ हम 1/2 टीस्पून जो जायफल का पाउडर लिया था और 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे और मटन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब मटन अच्छी तरह से भून जाएगा तो इसमें हम लगभग 1 लीटर पानी मिलाएंगे। यहाँ हमने गर्म पानी यूज़ किया है, आप नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। मटन में हम थोड़ा ज़्यादा पानी डालते हैं क्योंकि उसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है। अब मटन को हम ढक के लगभग 30 से 40 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देंगे। बीच बीच में हमें इसे इसी तरह मिलाना है। ये देखिए हमारा मटन रेडी है। होप आपको ये रेसिपी पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।